नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, आज जिस कार्यक्रम को लेकर हम लोग आपके पास उपस्थित हुए हैं उसका नाम है एलिफेंट इन द जू। अक्सर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपके आसपास, आपके अगल बगल, आपके जिले, आपके राज्य और आपके देश में उन मुद्दों पर बात नहीं की जाती है जिन मुद्दों पर बात की जानी बहुत जरूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया एलिफेंट इन द जू। अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे ऐसे आस पास पास पड़ोस उन मुद्दों पर जहां पर स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है, पर्दे के पीछे ही दम तोड़ देता है। हालांकि इन चीजों को लाकर हम लोगों ने कोशिश किया है एलिफेंट इन द रूम के माध्यम से। आज हमारे साथ हैं पूर्व बागमारा विधानसभा के प्रत्याशी संतोष दुबे जी। पहले तो हम लोग आपका स्वागत करें। धन्यवाद सर। एलिफेंट इन द रूम इस कार्यक्रम को लेकर जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग ये जानना चाहेंगे दुबे जी, क्या कुछ आज हम लोग करने जा रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है एलिफेंट इन द रूम को लेकर? सर देखिए, एलिफेंट इन द रूम क्या होता है कि जनरली जैसे कि दो लोगों के बीच में है, जैसे बाप बेटे का संबंध है, माँ पिताजी का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, हस्बैंड वाइफ का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, तो कभी कभी क्या होता है जो बहुत किसी बात को लेकर अगर मन मुटाव होता है और उस मन मुटाव को समय रहते दूर लोग नहीं कर पाते हैं, तो घर में तनाव, समाज में तनाव, देश में तनाव, राज्य में तनाव, मतलब आप उस तनाव से पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसलिए समय रहते जो आपके आपके घर में जो एलिफेंट है, आपके घर में जो ऐसी मुद्दाएं हैं, ऐसे समस्याएं हैं जिनके ऊपर आप बात करके चीज़ों को ठीक कर पाते हैं, तो करके उसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो बाद में। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का नाम एलिफेंट इन द रूम रखा। चलिए, हम लोग झारखंड के मुद्दों की बात हमेशा सामने लाकर रखते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज आपके साथ बात करेंगे। क्या एलिफेंट इन द रूम का जो कॉन्सेप्ट है वो झारखंड के हर जगह, हर गांव, हर तकबा और हर परिवार में भी आपको दिखता है क्या? एकदम दिखता है सर। एलिफेंट इन द रूम अगर आप देखेंगे झारखंड के स्तर पर, अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक चाह के भी नहीं बोल पाती है। बिल्कुल। उदाहरण हम आपको देते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा बाहुबली कोई नेता अगर है जी, पूरा दुनिया उसको जान रहा है कि वो आदमी क्या है, कैसा है, जो भी है, लेकिन आप सामने जाकर उसको नहीं बोल सकते। बिल्कुल। लेकिन पीठ पीछे आप बोल सकते हैं, तो यही चीज़ हो गया एलिफेंट इन द रूम। अभी आप झारखंड में देख लीजिए, समस्याएं इतनी है ना सर कि कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। अच्छा, क्या कुछ कारण है कि झारखंड दिल्ली नहीं बन पा रहा? झारखंड नहीं दिल्ली बन पा रहा है, इसका तो क्या मतलब 24 साल का निर्माण के कार्यकाल अगर आप देखेंगे, भाजपा रही, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन रही, 24-25 साल में अगर आप देखेंगे सर, तो हमको जो लगता है जो यहाँ झारखंड का विकास इसलिए नहीं हो पाया ना सर, झारखंड के जितने नेता लोग हैं ना सर, चाहे वो बाहरी हो, चाहे भीतरी हो, चाहे जैसे जो भी हो, वो लोग झारखंड को कभी अपना माने ही नहीं। हम जो मेरा राय है, ऐसा लगता है हर कोई लगता है कि बस वो कुर्सी में बैठ जाए, कुछ एक दो ट्रक पैसा छाप ले, नोट छाप ले, मतलब हम ये माने कि आज भी झारखंड एक दुधारू गांव गाय के जैसा देखा जा रहा है क्या? शोषण तो हो रहा है सर। अगर आप देख लें, अगर देखिएगा, हम तो सीधा सीधी बात जानते हैं कि अगर आप, हमको ऐसा लगता है ना सर, अगर आप देश की, राज्य की जनता के लिए अगर आप सच में काम नहीं करना चाहते हैं ना सर, तो झूठ बोल के कुर्सी पर मत बैठिए। उससे ना तो आप अपना खुद का भला कर पाएंगे, ना समाज का भला कर पाएंगे। आएंगे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ, लूटने से कोई फायदा नहीं है। एलिफेंट इन द रूम के अंतर्गत आज जो मेरा मुद्दा है यह है कि आखिर झारखंड विकास कब करेगा, कौन करेगा, किसके माध्यम से करेगा, या विकास, विकसित झारखंड का जो सपना एक परिलक्षित किया जाता है हर पार्टियों के द्वारा, वह धरातल पर केवल दम आते आते तोड़ देता है। देखिए सर, देखिए, अगर जहाँ तक रहा झारखंड को विकास, विकास झारखंड का विकास का बात है सर, तो इसको आप विकास कैसे कर सकते हैं, आप बात को समझिएगा जी। आप भारत के, भारत में 28-29 राज्य हैं जी, आप उन राज्यों में जो अग्रिम श्रेणी के जो राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गए, उत्तर प्रदेश भी अभी ठीक ठाक कर रहा है, तो आप इनका स्टडी कीजिए सर कि क्या काम करके ये लोगों ने सुधार, कौन सा ऐसा जगह सुधार किया कि इनके यहाँ निवेशक आए, फैक्ट्री खुला, इन्वेस्टमेंट हुआ, रोजगार मिला, प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, और फिर इन सारी चीज़ों के माध्यम से अपने राज्यों का ये विकास कर पाए। आप झारखंड में देखेंगे, उदाहरण हम आपको देते हैं, अगर आप गुजरात का उदाहरण लेते हैं आप, तो मोदी जी याद कीजिएगा 2008-09 के गुजरात मॉडल, 8-09 के टाइम पर वाइब्रेंट गुजरात बोल के एक प्रोग्राम चलाते थे। उस टाइम पर मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भी वो जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे को ले आए थे,
लेकिन हमारे 24-25 साल के कार्यकाल में झारखंड में देखिएगा तो कोई भी एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो कोई इंटरनेशनल किसी दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ निवेशक के तौर पर बुला पाए। मतलब वो गुजरात मॉडल जो था कहीं हम उसको राजनीति के स्तर पर कम माने और वाइब्रेंट गुजरात चेंज करने वाले स्टेप पर वो ज़्यादा बिल्कुल। अगर आप देखिए सर, आपको फोकस क्या करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं तब तो उसके लिए भैया 25 साल क्या 100 साल भी कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप वाकई में आपको झारखंड का विकास करना है तो आप सोचिए। अच्छा, ये मान दुबे जी थोड़े जानना चाहेंगे क्या एक राज्य का विकास बिना इन्वेस्टर का नहीं हो सकता? वैसा राज्य जहाँ पर पहले से ऑलरेडी इतना ज़्यादा मिनरल्स है, इतना ज़्यादा संसाधन है, प्रोडक्टिविटी इसका बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ज़मीन के फर्टिलिटी में हम थोड़ा पीछे आ जाए झारखंड, लेकिन बाकी मुद्दों पर तो झारखंड बहुत आगे है। ठीक है सर, जहाँ तक आप पूछ रहे कि बिना निवेशक का हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए, बात पैसों का है सर, चाहे राज्य सरकार के पास पैसा हो चाहे निवेशक के पास में पैसा हो, बजट किसके पास में है वो मैटर करता है। अगर आप झारखंड के पास अगर बजट है तो आप अपने से फैक्ट्री लगवाइए, कौन रोका है आपको? अच्छा, FDI का क्या रोल हो सकता है झारखंड के लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल आता है सर, उसमें तो आपको भारत सरकार के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अभी लास्ट टाइम G20 का समिट हर राज्य में हुआ था, आप उस अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे उस समय। बिल्कुल, तो उस समय वो कितने इन्वेस्टर को वो अपने तरफ कर पाए होंगे वो तो वही जानेंगे, उसका रिपोर्ट हम पढ़े नहीं है। लेकिन हमको जहां तक लगता है जब ऐसे मौके आपके पास मिलते हैं ना तो दोनों हाथ उसको भर। ये मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है वहीं आइडेंटिफाई होता है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी एक नया रोल मॉडल हम कहें अगर युवाओं के बीच में जयराम महतो बनकर आए, जिनका भी मुझे लगता है कि तीन चीज़ें बड़ा स्टंट तरीके से उन्होंने रखा कि मुझे रोजगार नीति दो, मुझे उद्योग नीति दो और मुझे स्थानीय चीज़ों को लेकर वो खासकर हु इज़ झारखंडी एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन वो मांग रहे। तो ये तीन चार सवाल क्या लगता है कि जयराम के रोल मॉडल पर झारखंड बहुत तेज़ी से विकास कर पाएगा क्या? अब आइए इस पर बात करते हैं सर। देखिए, जयराम जी का जो मॉडल है उसको ध्यान से समझिएगा वो क्या बोलते हैं। पहला तो वो बोलते हैं कि भैया हमको 1932 के आधार पर या खतियान के आधार पर आप हमको एक स्थानीय नीति बना के दीजिए। ठीक है, अब खतियान के आधार पर स्थानीय नीति जो बनाने का जो बात है, हम इसको बोलते हैं कि आप बाकी के राज्यों का स्थानीय नीति को पढ़िए, समझिए। बिल्कुल, आप बिहार में जाइएगा तो 3 साल में आपको स्थानीयता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। खाली आपको जाना एक जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, वहाँ पर 3 साल रह लीजिए, वहाँ का वोटर बन जाइए, आपको स्थानीयता मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में 7 साल का वही सेम क्राइटेरिया, 7 साल आप रहिए। बंगाल 15 साल है, महाराष्ट्र 15 साल है, तो तमाम तमिलनाडु 10 साल का है। तो आप तमाम राज्यों में जाइएगा तो स्थानीय नीति का जो डोमिसाइल पॉलिसी का जो नियम है वो 3 साल से लेकर के 15 साल के बीच में है। जयराम जी का कहना है कि भैया आप 10 साल से रह रहे हो या 50 साल से रह रहे हो, हम अगर आपके पास खतियान नहीं तो स्थानीयता हम आपको मानवे नहीं करेंगे। तो मेरा उनका एक जो जवाब है कि भैया अगर आप खतियान ही स्थानीयता का आधार है तो खतियान आपको मिलता कैसे? आप सर्वे कराइए, सबको खतियान मिल जाएगा तो सब भित्री हो जाएगा। लेकिन इनका जो मेजर दर्द हमको जो समझ में आता है वो ये बार बार ये कहते हैं कि भैया जब मराठी मराठों का, बिहारी बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, तो झारखंड झारखंडियों का कहीं नहीं हो सकता। हम बोले एकदम झारखंडी का ही है, हम भी उतना ही बड़ा झारखंडी है जितना आप हैं। आप सिर्फ खतियान के आधार पर ये मत बोलिए कि हम तुमसे बड़का झारखंडी है। उदाहरण हम आपको देते हैं, जयराम आज 29 साल का है, 29 साल के हैं वो जी। हम 30 साल के, 32 साल के हम हैं, 32 साल हम भी यहीं पर धनबाद में समय बिताए हैं, आप भी 29 साल यहीं धनबाद में समय बिताए हैं, तो आप हमसे बड़का झारखंडी कैसे हो गए? खाली खतियान के आधार पर हमारा मानसिकता क्या, हम झारखंड के विकास के प्रति क्या सोचते हैं? आप बिना जाने आप किसी पर लांछन लगा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकिएगा तो आगे जाके गड्ढे में गिरिएगा। नहीं, मेरा जो प्रश्न था, ठीक है, जो भी मुद्दा है वो तो बैठ एक चीज और इस पे हम ऐड कर देते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि भैया जब दो भाई बिहार और झारखंड दो भाई के बीच में बंटवारा हो गया तो फिर बिहारी लोग हमारा अधिकार पर सेंध मारने का है आता है। हम एक उदाहरण देते हैं आपको, कितना मूर्ख बनाता है, एक बात को समझिएगा। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम लोग वहाँ जाके बसे वो पाकिस्तानी कहलाए, जो भारत में जो मुसलमान रुके वो हिंदुस्तानी कहलाए, तो क्या उस विभाजन के बाद से भारत में रहने वाले मुसलमानों का हमने हक और अधिकार छीन लिया? नहीं छीना भाई। तो जो लोग झारखंड में झारखंड निर्माण से पहले यही थे, झारखंड निर्माण के बाद भी झारखंड में है, तो आप उनके हक और अधिकार, तो आपका कहना है कि जो निर्माण का 2000 का पीरियड रहा उसके बाद से जो है उनको आप माने और बैरियर को बंद करें? हम वो भी नहीं बोलना चाहते, हम इतना कहना चाहते हैं कि बाहरी भीतरी का लड़ाई से झारखंड का विकास संभव नहीं है।
हम बोलते हैं कि जब बिहारी लोग बोल जयराम जी आरोप भी लगाते, हम तो इस पर बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन आप सवाल पूछ दिए तो बता रहे हैं। बार बार आरोप लगाते हैं कि बाहरी लोग झारखंड को लूट लिया। हम बताते हैं कि किसका अलमारी से 35 करोड़ रुपये निकला जी? कोयला चोरी धनबाद में हुआ तो खाली बाहरी कोयला लोग चोरी किया, यहाँ पर भीतरिया लोग कौवा उड़ खेल रहा था, तकनीक सब मिलजुल कर चोरी किया यहाँ पर, लेकिन आरोप खाली आप बाहरी को दे रहे हैं। तो उस गलत नहीं, जो रोल मॉडल को वो लाकर रख रहे हैं, उस रोल मॉडल से विकास हो पाएगा कि एकदम नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, मुझे आपको बताते हैं। जब तक देखिए सर, आप कोई भी पॉलिसी बना लीजिए, आप कैसा भी पॉलिसी बना लीजिए, अगर आपके राज्य का माहौल जो है, माहौल मतलब अगर इंक्लूसिव माहौल नहीं रहेगा ना, वो भाग जाएगा, इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये भी मान सकते हैं। एकदम मान के चलिए, आप जयराम के समर्थक पागल हैं। अभी चुनाव के टाइम पे हमको पता नहीं कितना लोग जयराम के समर्थक लोग इतने मतलब कि मतलब इसके लिए सब नहीं निकलता है, मेरे इतना गंदा गंदा ये लोग गाली देता है, इसी से समझ में आता है कि भाई तुम क्या है और तुम्हारे समर्थक क्या है। नहीं, अगर हम बात करें झारखंड विकास कैसे करेगा, झारखंड दिल्ली कब बनेगा, झारखंड मुंबई कब बनेगा, एक आर्थिक राजधानी का टैग लगा दिया आपने मुंबई पर, लेकिन अगर आज झारखंड से कोयला नहीं जाता है, झारखंड से बिजली नहीं जाता है, तो वो आर्थिक राजधानी का टैग आपका मुझे लगता है कितने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। वैसे में जिसके सहारे पर मुंबई खड़ा है वह कमजोर क्यों? मेरा प्रश्न वहीं आकर टिका। बिल्कुल, देखिए आपके पास फैक्ट्री कौन लगाएगा? जैसे कि मान के चलिए आप बोलते हैं कि भैया तुम हमारे यहाँ से कोयला लेके जाता है, बिल्कुल बाहर ले जा करके आप उसको फिर मैन्युफैक्चर करके कुछ बनाते हो, फिर उसका आप काम करते हो, तो हम बोलते हैं वो सेम चीज़ झारखंड में क्यों नहीं करेगा? तो झारखंड में करेगा कैसे? आपका झारखंड का जो CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, ये दोनों एक्ट तो झारखंड का हाथ पैर बांध करके रख दिया सर। आप झारखंड में CNT एक्ट हटाने की बात कीजिए, लड़ाई कर लेंगे लोग, लेकिन हम आपको फिर से दावा चैलेंज करते हैं सर, जिन जो जो लोग CNT लैंड के अंतर्गत आते हैं ना सर, उनका जाकर अंतर का जाकर दुख देखिएगा सर। वो लोग चाहते हैं कि कुछ करें लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि बैंक CNT लैंड पे आपको लोन नहीं देता है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका बेटी का शादी करना है तो आदमी कर्ज लेकर के बर्बाद हो जा रहा है। लेकिन अगर आज हम इन मुद्दों से थोड़ा हटकर थोड़ा जाएं और ये बोले कि भारत का 3 ऐसा मुद्दा जो ज्वलंत कहीं ना कहीं, जिस पे एलिफेंट इन द रूम हम लोगों ने जो नाम दिया, वो कहाँ कुछ हिडन रह गया? चलिए जयराम मॉडल से अगर विकास करे या नहीं करे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। नहीं करेगा भविष्य कोई गर्भ, हम आपको भविष्यवाणी अभी कर दे रहे, कोई गर्भ नहीं, जयराम के मॉडल से विकास नहीं हो सकता, लिख लीजिए। उसको एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा भैया, उनको इंक्लूसिव बनना पड़ेगा, बाहरी भीतरी बंद कीजिए, सबको एक साथ जोड़िए और फिर झारखंड की लड़ाई लड़िए, सब साथ देगा आपका। झारखंड का विकास खाली विकास तो सिर्फ आप ही नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं, हम सभी, लेकिन आप हमको बाहरी बनाकर उस लड़ाई से साइड कर दिए, हम काहे आपके साथ में खड़ा होंगे, नहीं खड़ा होंगे। आज भारत की सबसे 3 वैसे पहलू जो हिडन है, जैसे अगर हम लोग एलिफेंट इन द रूम के अंतर्गत बात करें, जो हिडन है झारखंड में भी है, वो 3 महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है? देखिए सर, अगर ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया कि 3 अगर एलिफेंट इन द रूम की अगर बात करेंगे पूरा दुनिया में, पूरे भारत जो हर कुछ हर जगह पर घट रहा है लेकिन कोई उस पर बात नहीं करना चाह रहा, हर गली मोहल्ले पर घट रहा है लेकिन कोई उस पर बात नहीं करना चाह रहा, हर गांव तकबा जिला राज्य में घट रहा लेकिन वो बिल्कुल सीन एंड अनसीन वाले कॉन्सेप्ट में आता है। 3 मुद्दा ना सर जी। एक जो होता है डर, आप किसी भी परिवार के जो मुखिया है ना सर, उसको जाके पूछिए कि उसका घर परिवार कैसे चल रहा, कितना डरा हुआ, लेकिन वो बोलता है नहीं किसी को। पहला है डर। दूसरा ये है कि सर, डरने के बाद उनका जो उनके आसपास का जो माहौल है, एक राजनीतिक माहौल जो बन गया है, चाहे वो मुस्लिम के प्रति हो, चाहे वो हिंदू के प्रति हो, चाहे लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट हो, जो वातावरण के आसपास चीज़ें घट रही है, हाँ, जनरली लोग एक तरफा बात बोलते हैं कि सारे हिंदू एक तरफ मिल जाओ, हम बोलते हैं कि सब हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिल करके आप पूरा झारखंड के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए काम कीजिए, क्या जरूरत है एक दूसरे से लड़ने का? अच्छा, तीसरा डर हो गया, वातावरण हो गया, परिवेश जहां हम रह रहे हैं, तीसरा अगर बात करें, तीसरा फैक्टर ये है सर कि जहां पर अगर आपके राज्य में किसी मुद्दे को लेकर के कोई अगर आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ कितना इंक्लूसिव है, उसको भी आपको एक बार सोचना। अच्छा, अगर इस राज्य का हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो 2000 से एक पीछे का अगर 20-25 साल या और भी पीछे चलते हैं तो एक बहुत बड़ा संघर्ष, सूर्य सिंह बेसरा का बात आता है, जयपाल सिंह मुंडा जी का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जो आंदोलनकारी हुए, या शिबू सोरेन जी आज भी हम लोगों के बीच में है, दिसम गुरु का उनको नाम से लोग जानते हैं, तो उनके रोल मॉडल पे क्रांति और आज के जब क्रांति है और आंदोलन है, क्या कुछ अंतर आपको दिखता है? सर देखिए, पहले का जो क्रांति था ना सर, एक आइडियोलॉजी का, एक विचारधारा का क्रांति था सर।
आज का जो क्रांति हो रहा ना सर, इस स्वार्थ का क्रांति, मतलब हम सीधा उसको वोट के पैमाने पे लाकर डाल दे, क्या वोट की राजधानी का, आप उनको कुर्सी दे दीजिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके जो मुखिया उनको कुर्सी दे दीजिए, वो सारा आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाए। अगर इसी दौरान में एक नई पार्टी उस समय आई थी, आजसू का भी नाम हम लोगों ने सुना था, और झारखंड की स्टूडेंट यूनियन और सुदेश जी कुर्मी के बड़े नेता के रूप में भी उभरे, झारखंड का नया युवा लगा कि एक बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा, लेकिन पार्टी धीरे धीरे सिमटती चली गई। क्या कुछ हम ये मान के कुर्सी आने के बाद मुद्दे गौंद हो जाते हैं, देखिए उनको भी एक बड़ा स्पेक्ट्रम देने का, देखिए एक चीज़ को समझिएगा सर, जब अगर हम वही चीज़ बोलते हैं, जब आप अपने स्पेक्ट्रम को बड़ा नहीं कीजिएगा, अपने लेंस को बड़ा नहीं कीजिएगा, आज भी झारखंड के 24-25 साल के राज के निर्माण के उपरांत देखिएगा, सुदेश बाबू साहब जो हैं आज भी कुर्मियों के ही नेता कहे जाते हैं। सेम चीज़ जयराम जी के साथ में होगा, अभी तो आप बहुत बड़े बड़े बात बोल रहे थे वो, लेकिन आज चुनाव का जब रिजल्ट हो गया, अब देखिए सिर्फ कुर्मियों का वोट उनको मिला कुछ, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जयराम जी जो कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा स्पेक्ट्रम भले उनका हो या ना हो, लेकिन जयराम से हमको बहुत उम्मीद था, अभी है नहीं, क्यों नहीं, क्यों था, हमको लग रहा था कि ये लड़का वाकई में झारखंड के लिए कुछ कर पाएगा, लेकिन जब इनको सोच देखते हैं ना, सोच बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा। डर का माहौल को लेकर क्या कहें, क्यों डरा हुआ है, अगर झारखंड का हर वर्ग हर समुदाय के अगर बात, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है सर, सबसे बड़ा मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होने के कारण हॉस्पिटल जाना है तो डर है, एलिफेंट इन द रूम आ गया बाद, बच्चों को पढ़ाना है, किताब लेना है, ड्रेस लेना है, तो आप हर समस्या को पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, वही एलिफेंट इन द रूम है, आप उजागर नहीं करना चाहते, उजागर कीजिएगा तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ये भी एक समस्या है। लोगों का कहीं है, बहुत पहले एक तो स्टेटमेंट आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो भी थे, लोग क्या कहेंगे, इट डज मैटर सर, इट डज मैटर ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज इन द बैक ऑफ दैट आवर स्टेटमेंट, नो काइंड ऑफ ओके, डू यू थिंक दैट झारखंड might be developed within 10 years. We have this much of the expectation that Jharkhand is changing, Jharkhand will be changed, and once the time will come that we will see that Jharkhand is equal to Delhi. See, I don't think that Jharkhand should be like Delhi, but the first question that you asked, that Jharkhand will be a developed state within 10 years timeline, and for that to happen, four or five things that need to be taken care of. First is, who is running a central government in this country, firstly, you should have at least very good connection with these people, because those people have rights to invest in your state. So first thing you should do is to make connection right, make your relationship with these people right, first thing. The second thing is that the kind of environment that you are creating inside the state must be very friendly. People should not be afraid of it. People should not afraid to come to Jharkhand. Mm-hmm. If you remember last time, one German couple came to Jharkhand in Gomo station. Yeah, yeah. They were robbed, they were beaten by some goons, mm-hmm. and that kind of event. It was might be happened in Dhinka or nearby. No. This happened in Gomo station, sir. Last 2-3 years back. So first thing is that we should have a good relationship with the central government. Second thing is that you should make a very friendly investment situation, environment here, so that people can come and invest in this Jharkhand state. Third one is that do not bifurcate community on the basis of their caste or religion. Okay, there is also a sentiment statement here that the tribals are not developing. Everything is, every caste, every community, they are having development, they have different resources also. But when we go inside the room of a tribal, we still think that they are in 1940 or 1960. They are not changing, or they are not being changed. What is the basic reason behind it? See, the kind of policy that state government has implemented over the last 24 years, you should go and check it, the kind of investment they have made in it. See, there is this policy name, in this government they have announced new Yojana named Abu Awas Yojana. See, the tribal people do not have a very luxury house, right? So the government thought at least they might have 2-3 rooms kind of house that will be great for them. But the kind of money that is required to build 8 lakh houses in Jharkhand for those people who have applied for it. How this money will come? That is the question that I'm trying to tell everybody, that the kind of money Jharkhand is required, we do not have it, and the only way to get that money is from inviting other people to come and invest in Jharkhand.
और यू कैन आस्क इट मीन सम फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट योर बेसिक नीड्स कैन बी फुलफिल्ड. When the both governments are not equally from the same section, I mean, if your government is from Mahagathbandhan, state government is from NDA, so I think there will be a collision between these things, and I don't think that it is possibility that mutual understanding can be possible unless and until having double engine ki gaadi. Last time we had this double engine ki gaadi, but you see what had happened back then. The kind of development that was happening back there, it was great, but somehow they could not take it to the next level, and they failed in 2019. Then a new government came with Congress and JMM Gathbandhan. They tried to pull this up, but somehow they also failed. Now the situation in this state is all these people, it doesn't matter which community they came from, no one is happy. No development has happened in this last 4-5 years, and everybody is angry about it, and that is the reason that Jairam has come in the limelight, and the people have some expectation from him. And in overall situation, if you see that Jharkhand scenario will not change until unless we accumulatively design a program, develop a principle on which Jharkhand can be sustained or make a progress on it. That means these points are quite necessary or required over there. Okay, what was the reason that the industrialization is still too low? In 1904, that there was Tata Company, DVC, Birla, Jindal, Mittal, whatever the companies, they have come before 2000. But what happened after 2000? What is the reason that our the spectrum of industrialization is still low from the sides of state as well as central? There are 2-3 reasons for it. First is like the Naxal movement in Jharkhand is very very effective. People are afraid of in coming and investing in Jharkhand first of that is the very very much very much case here. That is the very much situation here. Second one is that kind of government that we are creating here in Jharkhand. Doesn't matter if it's a BJP government or coalition government of JMM and INC, both are not able to deliver the promises they have made. The reason is the kind of leadership we are creating here in Jharkhand are not good. It's to the point I'm telling you. Means we need a something different kind of. We need a charismatic leader here in Jharkhand. Okay, how this could be possible that the Jharkhand will be developed with having a very good political team? Unless and until having team, you are nothing. We are nothing. A team is nothing. So, if there is a well-educated CM with having well-educated scenario of the political cabinet ministers, do you think that these things are also a very big factor? How educated Mr. Yogi is, or how educated Mr. Prime Minister Modi is? Education has nothing to do with the development, sir. We need willpower to change it. We need willpower and connection and relation with those people who can really make things happen. Until unless we don't have that kind of leadership in Jharkhand, we will not be able to. You have heard that Nokia. Yes. Okay, Nokia was one of the leading company in the mobile sector, and slogan was connecting people. Now it is out from the market. They failed to transform themselves. That's why we need to transform our state. Of course, we really need to transform ourselves, and we need to do it very fast. Or, see, there are a lot of things happening inside this country. After this Modi government, they have made a huge development in terms of road infrastructure. Everything. Now it's second time when the Modi is taking this ceremony right now, right? So he will be the third time Prime Minister of this country, and I really congratulate him to the entire community, yes, of India. But the third consecutive terms of Mr. Modi will be very much, I'm telling you, this is going to change everything, including some situation here in Jharkhand. There are chances that the Naxal problem will be solved in this country, in this state. What I'm saying is, until unless we do not have this, you know, one principle to come and invest in Jharkhand, you will be not attacked or not harmed by any individual. This is the guarantee. This is the mahal we have to create for anybody to come and invest in Jharkhand. Until unless we are not reaching to that level, never think that Jharkhand is going to be a developed state. Until unless we don't do that.
देखिए परिस्थितियाँ कुछ भी हो, एलिफेंट इन द रूम के अंतर्गत जिन चीज़ों को हम लोग लाकर आपके पास रखेंगे, सदैव लगातार एक सीरीज के माध्यम से मुद्दा यही होगा कि जिन चीज़ों को लोगों ने दरकिनार किया, जिन चीज़ों को राजनेताओं ने दरकिनार किया, यहाँ की आम आदमी ने दरकिनार किया, उनके मन की बात भी हमें रखना है। थैंक यू सो मच संतोष जी। भारत के प्रधानमंत्री आज तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और पूरे भारत के लोगों को शुभकामना रहेगा। एलिफेंट इन द रूम का मेरा मुद्दा यही है कि मुद्दा कुछ भी हो लेकिन फाइनली विकास की हम बात करें, एकदम सर, ना कि किसी प्रकार की विनाश का या राजनीति का जो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।